वाराणसी में कोचिंग संचालकों ने किया भिक्षाटन, सरकार की नीतियों का किया कड़ा विरोध, शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की सरकार से मांग। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जहां आज उत्तर प्रदेश में जिम मल्टीप्लेक्स के साथ पाकों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, ऐसे में इन सब के बावजूद कोचिंग और इंस्टीट्यूट न खुलने से संचालकों में आक्रोश का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज पूर्वांचल कोचिंग संघ के लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मैं आशीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष पूर्वांचल कोचिंग संघ। क्या प्रोग्राम किया आज आपने लोगों के बीच? आज भिक्षाटन का कार्यक्रम था। आज रोड पे हम लोग उतर के बनारस के सारे संचालक और टीचर एक साथ भीख मांगने का कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि पिछले 14-15 महीने से कोचिंग बंद थी, इसीलिए जो भी पैसा था वो खा गया पूरा संचालक और शिक्षक समाज। अगर अब कोचिंग एक दो दिन में नहीं खुली तो इसी तरह पूरे प्रदेश भर में भिक्षाटन का कार्यक्रम होगा। अगले हफ्ते में हम लोग हर चौराहे पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करके सब बेकार है, कोचिंग बंद है और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट और रोडवेज की बसें सारी धड़ल्ले से चल रही है, मात्र कोचिंग और शिक्षण संस्थान को छोड़ के। और कोई अपील किए हैं तो खोलने के लिए? सरकार से यही अपील किया जा रहा है पिछले एक महीने से कि कोचिंग को खोलें, शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करें। पूर्वांचल के बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, संचालक लोग इससे ही बहुत चिंतित हैं, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अगर पढ़ेगा नहीं देश तो बढ़ेगा कैसे? शिक्षा अगर नहीं मिलेगी पूर्वांचल के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को, तो देश का विकास कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग विरोध जता रहे हैं। सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही तो क्या करेंगे आगे? आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? सरकार हमारी मांगे मांगेगी, हम लोग अपने धैर्य को बनाए रखे हैं। जब तक कोचिंग नहीं खुलेगी इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। एक दिन सरकार हम लोग की मांग को सुनेगी, मानेगी, खोलेगी, रहम खाएगी। परेशान है हम लोग बेचारे पूरे शिक्षक संचालक। एक कक्षा में मात्र 25-30 बच्चे कोरोना काल को देखते हुए हम लोग पढ़ाएंगे। वैसे हम लोग एक कक्षा में 60-70 बच्चों को बैठाते हैं, लेकिन इस समय हम लोग 50% स्ट्रेंथ के साथ कक्षाएं सुचारू रूप से चालू करेंगे और कोरोना के मापदंड मानक को देखते हुए।